क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीटीवी स्पोर्ट्स वर्ल्ड को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। एशिया कप 2018 वार्म अप मैच, सरफराज अहमद 11 की शुएब मलिक 11 को शिकस्त। तफसीलात के मुताबिक एशिया कप 2018 के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप इन दिनों जारी है, जहां पर एक वार्म अप मैच खेला गया जिसमें से एक टीम की कप्तानी पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने की, जबकि दूसरी तरफ लेजेंड क्रिकेटर और सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक ने कप्तानी की। इस मैच में सरफराज अहमद 11 ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। अगर हम इस मैच की बात करें तो मलिक 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर में 297 रन बनाए और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। अगर हम इनकी जानिब से बैटिंग की बात करें तो शान मसूद ने 74 रन बनाए, 80 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगाए, जबकि इसके अलावा फहीम अशरफ ने 66 रन बनाए, 43 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 3 फलकबोध छक्के लगाए, जबकि कप्तान शुएब मलिक ने 52 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए। जबकि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो और सरफराज अहमद 11 की तरफ से शादाब खान ने 58 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जुनेद खान 52 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। 298 रन का टारगेट मिला सरफराज अहमद 11 को, जो उसने 44वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अगर हम सरफराज अहमद 11 की बैटिंग की बात करें तो सरफराज अहमद 11 की तरफ से फखर जमान शानदार रहे, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है और उन्होंने 114 रन बनाए, 68 गेंदों का सामना किया, 13 चौके और 4 फलकबोध छक्के लगाए, जबकि इमामुल हक ने शानदार बैटिंग की, 65 रन बनाए, 71 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। याद रहे कि दोनों खिलाड़ी आउट नहीं हुए लेकिन रिटायर्ड होकर दूसरे खिलाड़ियों को बैटिंग का मौका दिया। इसके अलावा अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम 57 रन बना सके, 56 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। मोहम्मद आमिर ने 48 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि उस्मान खान शनवारी 47 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। अगर इसके अलावा देखें तो हारिस सोहेल शानदार है, जिन्होंने 23 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस तरह सरफराज अहमद 11 ने यह मैच, उम्मीद करता हूं आपको यह अपडेट पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, आई लव यू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम।